हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गुल्लू गुग्गू ऑफिशियल। मैं हूं आप सबकी दोस्त कृति। और ये बताइए मैं कैसी लग रही हूं। सो मैं रेडी हो चुकी हूं नहा धोवा कर, और मैं सोची थी कि 7-8 बजे निकलूंगी, बस बहुत लेट हो चुका है, 10:15 हो रहा है। कहीं मैं जा रही हूं तो आप सब बने रहिए। मैं कहां जा रही हूं सो और क्यों जा रही हूं ये मैं बताती हूं। तो आज हमारी एनिवर्सरी है, हम सब हंसते खेलते कूदते पूरे 7 साल हो चुका आज हमारी शादी का। और तो आज हमारी एनिवर्सरी है। कल रात में मैं लाइव आई थी, तो अगर वो वीडियो आप सबने नहीं देखा होगा तो जाकर देख लीजिएगा हमारे चैनल पे। और बाकी अभी मैं ये देखिए मैं फुल्ली रेडी हूँ, तो कैसी लग रही हूँ ये कमेंट में बताइएगा। इधर गुल्लू भी रेडी है और गुग्गू भी रेडी है, पतिदेव जी भी रेडी है, सब लोग रेडी है, बस निकलने वाले हैं हम सब। तो चलिए इस व्लॉग को आगे बढ़ाती हूँ। जीरो अभी। हे फ्रेंड्स, तो ये देखिए मेरे हाथ में कुछ है, क्या है ये देखकर शायद आप सबको अंदाजा लग चुका होगा। तो ये है मेरी शादी वाली सिंदूरा, मैं इसमें रखती हूँ। नहीं, मैं इसमें रखती हूँ क्योंकि ये मतलब गिरे नहीं। और ये है भाभी का, वो क्या बोलते हैं उसे, मम्मी का ब्लॉग बन रहा है, भाभी का खोइचा वाला है, तो मैं इसी में डाल देती हूँ। ये देखिए तो एक्स्ट्रा सिंदूर है, वो सब ऐसे हो रहा है। तो मैं अपने हर एनिवर्सरी पे या फिर करवा चौथ, तीज, इन सब पे यही सिंदूर लगाती हूँ। तो आज मैं इसे लगाऊंगी और तो आज मैं इसे फिर से लगाऊंगी। स्टार्ट करो, तुम्हारा वीडियो तो बन ही नहीं रहा। हाँ, स्टार्ट करवा दीजिए, मैं फोन में देख के लगा रही हूँ, पता नहीं कैसा लगेगा। ये फ्रेंड्स, तो ये मेरी मम्मी और उधर गुगू एक फोन से बना रहा है वीडियो और साथ में बोल भी रहा है कि ये फ्रेंड्स, ये है मेरी मम्मी। तो फाइनली मैंने लगा लिया ये वाली सिंदूर। और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप सब भी ऐसा करते हैं क्या, अगर नहीं करते हैं तो करना चाहिए। चलिए मैं चलती हूँ। उधर गुगू कमेंट्री कर रहा है, इधर मम्मा, इधर मेरी भैया ऐसे कर रहा है। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब रेडी होकर निकल रहे हैं। देखिए बहुत तेज धूप है, तो हम सब आके बैठ गए हैं गाड़ी में। और इतनी तेज गर्मी लग रही है इस गाड़ी में अभी, तो ऐसे गेट खोल ले रही हूँ क्योंकि गाड़ी चल नहीं रही है। और इधर गुल्लू और गुग्गू दोनों बैठे हैं, देखिए क्या से खेल रहे हैं सो। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब आ गए हैं मंदिर। ये बहुत बड़ी मंदिर है और यहाँ की बहुत ही मान्यता है। तो यहाँ अभी पहले चलते हैं प्रसाद लेने, प्रसाद लेकर चलेंगे अंदर। आइए यहाँ खाली ले लेते हैं। हम यहाँ से प्रसाद ले लेते हैं। हे गुग्गू, देखिए कैसे बन रहा है प्रसाद। तुम माला पहना हो गुगु, तुम माला पहनेगा बेटा। हाँ, प्रसाद ले लिया। और इधर यहाँ पे फूल माले मिलते हैं, तो यहाँ से थोड़ा फूल और माला ले लेते हैं। धूप लग रहा है फूल भैया।
वहाँ चढ़ेगा ना, वहाँ से चढ़ने के बाद देंगे। चढ़ने के बाद यही मिलेगा ना? कोई ठीक तो नहीं, दूसरा भी मिल जाता है। चलो ठीक है। एक दो भैया ताजा फूल भैया, जी का फूल है आपको प्राइस क्या बताइए? ये तुलसी माला कितने का बनाते हैं? भैया 50 बाबू को दे दीजिए। बाबू दोनों हाथ में पकड़ो। आप पकड़े रहिए ना, हो गया। हे फ्रेंड्स, तो फाइनली आ गया है मंदिर और चलते हैं ऊपर। और गुल्लू गुग्गू पहले ही जा रहे हैं। शायद कैमरा फोटो लेना मना है ना, शायद मन में। अब दूसरे भगवान के पास हम लोग आ गए हैं। सब लोग देखिए कैसे आराधना कर रहे हैं। तो दिख नहीं रहे हैं, काफ़ी भीड़ है सैटरडे को लेकर। बहुत ही ज़्यादा मान्यता है इनकी। और यहाँ पे गुल्लू आप सबका, और ये गुग्गू। हे फ्रेंड्स, तो हमने फाइनली बहुत दिनों बाद इस मंदिर में आई और दर्शन कर ली। हनुमान जी की दर्शन हो गई हमारी। और अब थोड़ा सा बैठ ले रहे हैं, काफ़ी धूप है इधर। इन दोनों को देख सकते हैं, प्रसाद खा रहे हैं और माला दिए हैं, कलंदर लिए हैं। नहीं, माथ पे लिए हुए। और अब थोड़ी देर में चलेंगे, देखते हैं और कहीं मंदिर में जाना है या नहीं। थोड़ा भीड़ है इधर, देखते पप्पा है, माँ लक्ष्मी है एक साइड में, तीन मंदिर है यहाँ पे। और इधर भी कोई है, मुझे पता नहीं चल रहा है तो इधर भी बनाई गई है। आंटी, हम सबकी पूजा हो गई और यहाँ पे स्लीपर खोल के गए थे तो स्लीपर यहाँ पे पहन रहे हैं। और बाकी फोटो मतलब हनुमान जी का लेना अलाउ था, बस साथ में फ़ोटो लेना नहीं था। मैं सेल्फी लेना अलाउ नहीं था, या फिर खुद के साथ हनुमान जी का फ़ोटो लेना अलाउ नहीं था, तो वो मैं नहीं कर पाई। बाकी मैं दिखाऊंगी, गाड़ी में चल के बातें करती हूँ आप सबसे कि क्या मान्यता है यहाँ के हनुमान मंदिर की। सो हे फ्रेंड्स, तो फाइनली हम सब मंदिर से आ गए। और मंदिर से क्या, मंदिर गए, उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम सब बाहर ही आज लंच कर लिए। उसके बाद गए पतिदेव जी के लिए गिफ्ट लेने। बस मैं पतिदेव जी के लिए गिफ्ट ली, खुद के लिए नहीं ली। पतिदेव जी ऐसे, उसमें मेरी गलती है, मैं नहीं ली क्योंकि पतिदेव जी मुझे बोल रहे थे ले लेने को, बट हमारे पास टाइम नहीं था तो मैं नहीं ली। मैं बोली कि आप कभी बाद में लाकर मुझे दे दीजिएगा, तो वो पतिदेव जी की जिम्मेदारी हो गई है मुझे गिफ्ट ला कर देना। मैं अपना तो आज ले ली उनके लिए गिफ्ट, तो मेरा गिफ्ट मुझे आज नहीं मिलेगा, पतिदेव जी का आज मिलेगा गिफ्ट। तो और उसके बाद हम सबको थोड़ी सी शॉपिंग करनी थी आज की पार्टी की तैयारियों की, तो वो हम सब ने किया। बहुत सारा शॉपिंग, बहुत सारा वेजिटेबल्स, बहुत सारे फ्रूट्स, ये सब मैंने लिया। और आज के पार्टी में क्या क्या बना रही हूँ, मतलब बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं, बहुत ही कम लोग हैं, बट कुछ कुछ करना है तो मैं अभी करने जा रही हूँ। और ये देखिए, मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, और मुझे सूट में भी गर्मी लग रही थी। और आज मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा। आज मैंने अपनी चांदी वाला सिंदूर लगाया है,
ये सिंदूर लगाने से ना सुंदरता ऐसे ही बढ़ जाती है, चाहे वो कोई भी लड़की कोई भी लेडी लगाए, जब शादी होने के बाद कोई भी ये लेडी सिंदूर लगाती है तो बहुत ज़्यादा सुंदर दिखने लगती है। इस सिंदूर का अलग ही वो है, जैसे नॉर्मल सिंदूर हम लोग लिक्विड वाला लगाते हैं ना, वो उतना मतलब उससे कई गुना ज़्यादा ये सिंदूर अच्छा लगता है। और मुझे ये सिंदूर नोज पर से लगाना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट मैं मुझे मंदिर जाना था, बहुत दूर जाना था, इसलिए बस मैं नोज से नहीं लगाई थी, वरना मैं नोज से ही इसे लगाती। और ये पतिदेव जी मुझे हर साल लगाते थे, इस बार इसलिए नहीं लगाया क्योंकि थोड़ी लेट हो रही थी मैं, तो मैं सोची मैं खुद से कर लेती हूँ। और गुल्लू गुग्गू भी रेडी थे, पतिदेव जी थोड़ा बाहर में काम कर रहे थे, इसलिए इस वजह से वो नहीं मुझे लगा पाए, वरना हर साल वही मुझे ये सिंदूर लगाते हैं। मैं शादी के बाद जब भी ये सिंदूर लगाती हूँ मैं उनसे ही लगवाती हूँ ये सिंदूर। तो कैसा लग रहा है मेरा आज, मैं कैसी लग रही हूँ ये मुझे कमेंट में बताइएगा। और चलिए बहुत बातें हो गई, हाँ और बात करनी थी इस मंदिर की जो आगे आप सबने देखा, तो इस मंदिर का नाम है हनुमान सेतु मंदिर। और ये बहुत ही ज़्यादा मतलब हम लोग अपने बिहार से, जो भी हमारे व्यूअर्स होंगे उनको पता है कि बिहार का हनुमान मंदिर जितना मायने रखता है ना हमारे लिए, उतना ही ये यूपी का, ये लखनऊ का हनुमान सेतु मंदिर मायने रखता है। मतलब बिहार में लोग कहते हैं ना कि मन्नतें पूरी होती है, तो यहाँ भी बहुत सारे मन्नतें पूरी होती है। जो भी लखनऊ से ये वीडियो देख रहे होंगे उनको अच्छे से पता होगा हनुमान सेतु मंदिर की बारे में, और नहीं पता है तो एक बार जाइएगा, और वहाँ पे बहुत कुछ लिखा हुआ है। वहाँ पे एक लेटर बॉक्स है, जो मतलब लोग नहीं आ पाते हैं ना वो अपनी अर्जी लगाते हैं, जैसे बोलते हैं ना अर्जी लगाना, कुछ वो संत महात्मा लोग बोलते हैं, मतलब लेटर लिखकर और अपनी मनोकामना वहाँ पे लिख के लेटर बॉक्स में भेजा जाता है, जो भी हो जैसे भी हो फैक्स जो भी हो, मतलब लेटर पहुँचना चाहिए इस मंदिर में, और उसके बाद ना वो सारे लेटर को निकाल कर हनुमान जी की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, उनके चरणों के नीचे रखा जाता है, और बस उसकी वजह से वो उनकी वो मन्नतें पूरी होती है। उसके बाद जो लोगों की मतलब होता है ना कि विशेष पूरी हो गए, उसके बाद वो अपनी मन्नत उतारने इस मंदिर में ज़रूर आते हैं। जो लोग नहीं आ पाते हैं वो लोग का ये होता है, जो लोग जैसे हम लोग लखनऊ में हैं तो हम सब तो हमेशा आ जा सकते हैं, इसलिए हम लोग की मतलब वो लेटर डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है। जो लोग लखनऊ से बाहर के हैं उन लोगों के लिए ये चीज़ की सुविधा है वहाँ पे कि आप लेटर बॉक्स में लेटर भेजिए, और वो उस लेटर को हनुमान जी के चरणों में रखी जाती है, और उसके बाद वो अपनी महिमा से अपनी भक्तों की रक्षा करते हैं, सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो ये है उस मंदिर की, और वो मंदिर गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है, गोमती नदी के ऊपर ही है शायद, या फिर गोमती नदी के बगल में है। और मैं पूरा वीडियो नहीं शूट कर पाई क्योंकि वहाँ पे जगह जगह पे लिखे थे कि मतलब ज़्यादा फ़ोटो कैम ये सब नहीं लेना है, प्रतिमा की लेना है, तो मैंने ले लिया। मुझे खांसी हो रही है, तो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं करना था इसलिए मैं नहीं कर पाई। तो जितना भी कोशिश की मैं बनाने का, और बहुत तेज़ धूप था इसलिए मैं नीचे भी शंकर जी की मूर्तियाँ थी वो सब में मैं गई थी, पर मैंने वहाँ पे बिल्कुल अलाउ नहीं था कैमरा निकालना, फ़ोटो बिल्कुल क्लिक करना अलाउ नहीं था। मतलब यहाँ पे तो लिखा था कि मतलब प्रतिमा के साथ अपनी फ़ोटो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ हनुमान जी की प्रतिमा का फ़ोटो होना चाहिए। तो वो मैंने ले लिया, वीडियो भी बना लिया आप सबके लिए और अपने लिए भी कि हनुमान जी हमारे साथ हमेशा रहें और मेरी भी मनोकामना पूर्ण हो, हम सब अपनी लाइफ में ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। और हमारी शादी की 7 साल हो गई है, और पता नहीं चला कब कैसे 7 साल हो गया, और बस यही 7 जन्म तक हम लोग ऐसे लड़ते झगड़ते हंसते खेलते कुत्ते बांधते ऐसी बीते हमारी लाइफ। बस यही आज मैं हनुमान जी से मांगने गई थी। बहुत बातें हो गई, इसी के साथ मैं इस ब्लॉग को एंड करती हूँ और मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।